नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय जाखड़ और आपका मेरे पावर स्ट्रोक स्मार्ट बाइक चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज हम रिव्यू करेंगे हीरो स्प्लेंडर प्लस BS6 मॉडल का। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, मैं इसका प्राइस भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो में कभी भी प्राइस है जो इसका मैं बता सकता हूं, तो वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। फ्रंट साइड से रिव्यू स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, लुक देखिए बाइक की, वही सेम लुक दे रखी है फ्रंट साइड से। और देखिए किस प्रकार से इंडिकेटर है, तो वो थोड़ी सी क्या है कि क्लासिक टाइप के इंडिकेटर है वो दे रखे हैं। लैंप है, हेलोजन काफ़ी बड़ी लैंप दे रखी है और स्टाइलिश है लैंप भी, जो कि एवरग्रीन है। कितने सालों से ये स्प्लेंडर प्लस बाइक है जो कि एक नंबर पे बनी हुई है, तो इसलिए पिछले 26 साल से करीब करीब। तो अलॉय व्हील देखिए, इसके अंदर क्या है कि तीन वेरिएंट आपको मिलेंगे। एक तो है i3S और एक सिंपल है। और ये देखिए, इसके अंदर क्या है कि अलॉय व्हील और इस बाइक के अंदर इंटीग्रेटेड ब्रेक सिस्टम दिया गया है। तो इसके लिए ये देखिए जो फेंडर दिया गया है इस पे लगाया गया है, लोगो भी लगाया गया है इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि IBS। तो इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम का क्या होता है कि ये ब्रेक है जो कोई भी अगर आप ब्रेक का यूज करते हैं तो साथ में लगेंगे दोनों ब्रेक है जो। तो इसके लिए इसमें दो वायर दी गई है। ये अगर आप पीछे के ब्रेक का यूज करते हैं तो ये साथ में आगे वाला ब्रेक है ये भी लगेगा, इसलिए तो काफ़ी शानदार सिस्टम दिया गया है ये। तो वहीं इसके ग्राफिक्स की बात करते हैं तो ये देखिए काफ़ी स्टाइलिश दे दिया गया है। ये देखिए सारा ग्राफिक है वो चेंज कर दिया गया है यहाँ से। तो ये देखिए किस प्रकार से, तो काफ़ी शानदार लग रहा है। इसके अंदर आपको चार कलर मिलेंगे ग्राफिक्स के अंदर भी, और बाइक के अंदर भी आपको अलग अलग कलर है वो देखने को मिलेंगे। और पावर स्टार्ट का लोगो दिया गया है। और ये देखिए FI प्रोग्रामेड, मतलब BS6 बाइक है ये, तो इसके लिए दिया गया है ये। और ये देखिए सेंसर लगा हुआ है, एक तो ये ब्लॉक के अंदर सेंसर दिया गया है। ये देखिए ब्लॉक के अंदर है एक तो सेंसर, और दूसरा सेंसर है वो हेड के अंदर लगाया गया है। ये देखिए, तो ये BS6 के लिए है सेंसर दिया गया, क्या है कि इससे पोल्यूशन कम करने के लिए दिए गए हैं ये सभी। तो इसकी एवरेज है वो BS4 से ज़्यादा है दोस्तों। और ये देखिए अट्रैक्टिक लगा हुआ है यहाँ पे, एग्जॉस्ट पाइप के अंदर दिया गया है ये। तो इससे क्या होता है कि पोल्यूशन कम होता है, अगर कोई कच्ची गैस निकलती है यानी कि, तो उसको क्या है कि फिल्टर करके ये छोड़ता है एग्जॉस्ट पाइप के अंदर। तो वहीं इसके ब्रेक के ये देखिए सेफ्टी प्रोटेक्टर दिया गया है ताकि पैर है हमारा वो इससे एग्जॉस्ट पाइप से दूर रहे, इसलिए। और किक स्टार्ट है, सेल्फ स्टार्ट भी है ये। ये देखिए पावर स्टार्ट के साथ में। तो अभी इसका जो डैशबोर्ड है वो चेक कर लेते हैं। तो देखिए डैशबोर्ड है, क्लासिक डैशबोर्ड दिया गया है इसका, वही सेम। तो इसके अंदर क्या है, ये देखिए स्टैंड के लिए और मीटर दिया गया है, क्लासिक टाइप का फ्यूल गेज सिस्टम दिया गया है यहाँ पे, और काफ़ी शानदार है और इजी है ये। तो देखिए किस प्रकार से, तो यहाँ पे पावर स्टार्ट के लिए छोटा सा स्विच दिया गया है, ये देखिए छोटा सा है स्विच। तो चलिए अभी हम इसको स्टार्ट करके देखेंगे किस प्रकार से इसकी आवाज़ है, तो वो टेस्ट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट सेल्फ के अंदर बाइक है, स्टार्ट हो चुकी है, तो किस प्रकार से है। तो इसका जो साइलेंसर है तो उसमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा आपको, तो वो है एटलेक्टिक जो इसके अंदर ये दिया गया है। तो काफ़ी शानदार बाइक है दोस्तों। एवरेज कितनी है इसकी लगभग आपने? अच्छा, तो काफ़ी एवरेज है इसकी, 60 से 65 किलोमीटर है जो 1 लीटर के अंदर बाइक है वो काफ़ी एवरेज है इसकी वैसे तो। पहले जो BS4 के बाइक थे उनमें एवरेज है वो बहुत कम देखने को मिलती थी। तो इसके अंदर क्या है, कुछ बदलाव किए गए हैं इसके कारण थोड़ी सी एवरेज है वो इसकी ग्रो हो चुकी है, तो इसलिए। बिल्कुल, और फ्यूल टैंक है इसकी
तो वो लगभग 7 से 8 लीटर के करीब करीब इसकी फ्यूल टैंक दी गई है। तो स्प्लेंडर प्लस मॉडल है ये, काफी शानदार। और इसके अंदर क्या है कि 4 गियर आपको मिलेंगे। वही इसके इंजन की बात करें दोस्तों, तो इसमें 100 सीसी का इंजन दिया गया है, यानी कि 100 तो नहीं है, 97 पॉइंट कुछ है, तो इसको 100 सीसी ही बोलते हैं। तो ये इंजन दिया गया है और टॉर्क में थोड़ा बहुत फर्क है, तो काफी शानदार है बाइक वैसे। तो इसके अगर टायर की बात करें तो इसके अंदर आपको ट्यूबलेस टायर है वो देखने को मिलेंगे। टायर की बात करें तो इसमें आपको ट्यूबलेस टायर है तो वो देखने को मिलेंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए टायर का साइज देखिए, 80/100-18, मतलब 18 के टायर दिए गए हैं इसके, तो काफी शानदार है बाइक। वहीं पीछे का टायर है वो चेंज करवाया गया है इसका अलग से। तो वहीं इसकी कॉस्ट की बात करें दोस्तों, तो इसकी टोटल कॉस्ट है जो 78,000 रुपये के करीब करीब इसकी कॉस्ट है जो इनको लगाया गया है, क्योंकि जो पीछे का टायर है वो भी चेंज करवाया गया है इसलिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लव यू ऑल।